तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि बड़े बड़े फिल्म स्टार बहुत ही ज़्यादा बिजी रहते हैं, वो इस कदर गांव में नहीं आ सकते जैसे हम लोग रहते हैं। लेकिन आज हम कोशिश करेंगे कि फिल्मी एक्टर आ तो नहीं सकते, लेकिन उनकी आवाज़ें आपको ज़रूर सुनवाएंगे। एक ऐसा टैलेंटेड इंसान या लड़का है जो सभी फिल्मी कलाकारों की हूबहू आवाज़ निकालता है, मतलब आँखें बंद करो तो पहचानना मुश्किल हो जाता है। अभी सानिया को तो आप कंटिन्यू वीडियो में देखते ही हैं, तो एक भाई मेरा ये भी साथ रहता है, तो इसकी चीज़ें आज हम दिखाएंगे। कैसे हो दोस्त? बढ़िया है भाई, बढ़िया। क्या हालचाल? आज तो पूरे हीरो बने हुए हैं बॉलीवुड एकदम। हाँ गजब, क्या सुनाओगे लोगों को कि मजा आए लोगों को? बहुत ही आवाज है एकदम, जो भी आवाज बोलेंगे एकदम सुनाएं। मैं जिसका भी नाम बोलूंगा तुम सुनाओगे। बेशक बेशक। कितनी आवाज है लगभग? अरे वही 52, कम से 50-52 आवाज है। दोस्तों जाना मत, पूरी वीडियो को देखना, जब डिसीजन लेना कि वीडियो कैसी लगी। 52 आवाज है। 52 आवाज। किसकी सबसे फेवरेट तुम्हारा दिल के करीब कौन सा हीरो है? अरे वो तो बोलते हैं सैफ अली खान है। और कौन? जैसे अमरीश पुरी साहब। और बहुत बहुत हैं। तो चलो शुरू कर दो पिटारा। अमरीश पुरी साहब। हाँ। दिल जले। हाँ। दिल जले। हाँ। ओ लाले। हाँ। यहाँ तो सभी दिल जले हैं। अब अजय देवगन। अजय देवगन बोलते हैं रॉकेटर पे जलते पे शोले को हाथ भरगा पता चल जाएगी। तो हीरोनिया बोलती है नाम है सबनम पर आग तो मैं भी हूँ साका। अरे मेरे सस्ते साका। ये कहाँ से सीखा तुमने? सीखा वो कहीं स्कूल होता है? नहीं नहीं, नहीं सोशल मीडिया से। बस सोशल मीडिया से देख 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 देख। इससे तो तुम बहुत यार किसी को भी बेवकूफ बना सकते हो। कभी किसी को बेवकूफ बनाया? बहुत बेवकूफ बनाता है इंसान। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं। किसी को जैसे फोन करके कह दिया कि मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ आप जीत चुके हैं 2 करोड़ ऐसे किया? नहीं नहीं कभी नहीं किया। ये सब कभी करना भी ना योगी की सरकार चली जेल जाओगे। अच्छा योगी जी की बात है तो मोदी जी की आवाज थोड़ा सा मित्रो। मित्रो भाई बहनो मित्रो। लालू जी ऐ पगला कहना, जरा कमेंट में बताओ कि चश्मा में कैसा लग रहा हूँ? बहुत अच्छे लग रहे हो। बहुत अच्छे। मारेंगे लोल पे चढ़ जाओगे पोल पे, लागल लागल ला झोलनिया में ढाका बलम कलकाता कही लेना। वाह वाह वाह। अच्छा तुम्हारी वीडियो हम डाल लेंगे। अच्छा कुछ भी हो जाए। सैफ अली खान। वाओ कमाल करते हो यार सैफ अली खान करीना मेरी जान। वाओ भाई सिराज। हाँ। शक्ति कपूर की आवाज तो हमारी सानिया बहन भी कर दो। कैसे फंसा रहे हैं आप तुम्हें? एक हीरो ऐसा है ना मिथुन चक्रवर्ती को गांव में बहुत पसंद करते हैं, कई जगह तो मिथुन की पूजा भी करते हैं। तो मिथुन की आवाज को आप सुनाओगे तो बहुत मजा आएगा। अबे अपुन का नाम शंकर है, शंकर दादा, और दादा से जो लोचता है सीधा दादा काट देता है। बोल देते हैं इतना दौड़ा दौड़ा कर मारूंगा कि तेरे पैरों के नीचे जमीन कम पड़ जाएगी। ऐसे बहुत खतरनाक। तो बता दो एक बात, हम मैं अलबेला को बहुत दुखी कर रही है। क्या? जो कैमरा जो तेरा है इसका लेंस जो लड़की के चेहरे पे काम करोगा। ऐसा है कि ऐसा माना गया है, बहुत ही पुरानी बात है कि लड़कियां आकर्षित होती है। अरे होती तो है, मैं अलबेला था कुछ भी लग रहे इसका गो। तभी तो लक्ष्मण जी ने ऐसा पहले होता था दोस्तों कि पहले लड़कियां लड़कों को प्रपोज करती थी, लेकिन जैसे ही लक्ष्मण जी को सुपनखा ने प्रपोज किया तो नाक काट दिया, तब से लड़कियों ने प्रपोज करना बंद कर। तो जैसे हम दोनों काले लग रहे हैं तो धर्मेंद्र क्या कहेंगे जो आ गए? यार मैं तो कुछ नहीं कहूंगा, बस यही कहूंगा भगवान ने जिसे जैसे बनाया है वो बेस्ट बनाया है। हमने जरावर साहब हमने ऐसे ऐसे करीम ला कर दी है अलबेला को, अलबेला आज तक सुंदर नहीं हुआ। बाबा मैं क्रीम नहीं लगाता बाबा, मेरा यही सूरत ऑल इंडिया में बेस्ट है बाबा। जाने लीवर। एक आदमी ने कहा है कि दुनिया के कैसी भी करीम लगा लो अलबेला का चेहरे पे, जब तक आप बकरी के मिंगन घोल के नहीं लगाओगे जब तक सुंदरता नहीं आएगी। ये सानिया बहन की लड़की है, मतलब आप लोग तो कमेंट कर ही रहे हो या पता जब गाना कहे कि अम्मी गाना सुना दे। ये कभी भी उन्होंने कहती कि अम्मी गाना सुना दे, एकदम साओ कूद को एक गन्ना चुना दे। गन्ना चुना दे। और जब ये सो जाना इसको जरा सा हाथ लगा दो सिराज तो किस तरह करेंगे उठ जा। देखो पूरा मम्मी पर अपने गई है, एकदम मम्मी जैसी लग रही है। कहिए बेटे गन्ना चुना। कितने साल की सानिया है? ये 3 साल की। ये तो बता दो कब इसका जन्मदिन कब हुआ था?
इनके तारीख याद नहीं। मार्च की 24 तारीख। नहीं कब हुआ था, जब क्या हुआ था देश में भैया, ये थोड़ा ही होता है। तो होता है, बताने तो दो। लॉकडाउन लगा था जिस दिन ये पैदा हुई थी ना, उसी दिन लॉकडाउन लगा। तो मतलब तूने सोच रहा है कि यही हुई बस, पता नहीं कितने बार लग हुए यार। और इसे अपना मुंह दिखाई, एक बार कैमरे में मुंह दिखा अपना। हाँ तो भाई मैं मतलब मैं थोड़ी ना लॉकडाउन की पैदाइश, पैदा होते ही पूरे देश में इसने संकट मचा दी। नहीं मैंने पूछा था एक पंडित से, पूछा था भाई साहब कि जब सिराज हुआ था क्या था, कहने लगा आदमी का तो लॉकडाउन नहीं था लेकिन जानवरों का लॉकडाउन था। चलो दोस्तों इतने परेश रावल आ गया। सर आओ, सर सर परेश रावल जा गए, आ जाओ जाओ परेश रावल। अरे बाबा ये रे दे भाई, कौन रे बाबा? ये सिराज अपना शकल दिखा रे बाबा। दिखा दिया भाई। या माइला कितना खूबसूरत है रे बाबा। मैं तो इतना अद्धा पी पी कर मेरा सला मुंह झुलस गया रे। आओ दोस्तों अब पूछते हैं सभी से, माता बहनों से, हमारी बहुत बढ़िया गांव है। आपको वीडियो कैसा लगा भाई? अच्छा। जोर से बताओ। बहुत बढ़िया। एक बार भारत माता की जय लगा। भारत माता की, भारत माता की, हिंदुस्तान जिंदाबाद।